हजरत आदम अलैहि सलाम की तखलीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है। फरिश्ते शादी नहीं करते और ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है, जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि चैनल पे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप महरूम न रहे। तारीख इब्ने असाकिर, इब्ने खलदून और दर्जनों रिवायत में है कि सबसे पहले सिमहुन जिन को आग से पैदा किया गया। इसके जोड़े में अल्लाह पाक ने एक लड़की को भी पैदा किया। सिमहुन ने इस लड़की से शादी की। इनकी नस्ल में बढ़ती तेजी के साथ इजाफा हुआ और देखते ही देखते उनकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमान में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा जमीन थी। जब अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह की ताबेदार रही और अल्लाह की इबादत भी करते रहे। फिर वक्त के साथ साथ इनमें सरकशी गालिब आने लगी। इस वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिनों में से एक जलीबा नामी जिन था। जलीबा की शादी तबलीस से हो गई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जसामत में काफी बड़े थे। जलीबा की शक्ल बब्बर शेर से मिलती थी और उसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। इन मियाँ और बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा थे। जलीबा और तबलीस को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने अजाजिल रखा। ये लड़का भी अपने वालिद की तरह बड़ा ताकतवर बन गया। आदम अलैहि सलाम के तखलीक से पहले 50,000 साल पहले जमीन पर जिनों का उरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो, अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। फरिश्तों ने जिनों को अल्लाह ताला का हुक्म दिया कि तुम जमीन पर फितना फसाद ना फैलाओ, तो नारी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिनों को हलाक कर दिया, जिसमें अजाजिल के वालिदैन जलीबा और तबलीस भी हलाक हो गए। जो बच गए उनको कैद कर लिया गया। उन कैदियों में अजाजिल भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अजाजिल की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अजाजिल की बेहतरीन परवरिश की, उसको इबादत करने की बेहतरीन तरीके से हमकिनार किया, जिसकी वजह से अजाजिल फरिश्तों का बहुत बड़ा आलिम बन गया। उसके पास बहुत बेशुमार इल्म हो गया। यह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करता। अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया। अजाजिल फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक किताब दिया करता था। हजरत काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, अजाजिल 40,000 साल तक जन्नत का क्रांची रहा था। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक वो फरिश्तों को तालीम व तरबियत देता रहा। उसका मुकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत वसी हो गया। हजरत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम भी इसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे हर चीज के बारे में इल्म होता है। ये बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह ताला को इल्म था कि एक दिन अजाजिल मेरा नाफरमान बंदा बन जाएगा। चुनांचा एक दिन अजाजिल का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मर्दूद से पनाह मांगता हूँ। उस तहरीर को पढ़ने के बाद अजाजिल 2 साल तक रो रोकर अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अजाजिल अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह, शैतान मर्दूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अल्लाह ताला ने अजाजिल को फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा होगा, वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतर आएगा, इसलिए वो शैतान मर्दूद बन जाएगा। अजाजिल ने पूछा, ऐ मेरे रब, वो बंदा कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बहुत जल्दी शैतान मर्दूद को देख लोगे। उसके बाद अजाजिल कई सदियों तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपना एक बंदा जमीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह ताला, ये बंदा जमीन पर जाकर फिसाद फैलाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई, जिससे हजरत आदम अलैहि सलाम का पुतला पैदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले को 40,000 साल तक वैसे ही रखा था, इसमें जान नहीं डाली। जब भी फरिश्तों का हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले के पास से गुजर होता तो बहुत हैरान हो जाते। जब अजाजिल शैतान हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले से गुजरता तो हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले को नफरत और तकब्बुर से देखा करता था। वो उस पुतले से गुजरते हुए हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले को तरह तरह की अज़ियतें देता था। अजाजिल समझता था कि यहाँ बस मैं ही अल्लाह ताला का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले में जान डाली। सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हजरत आदम अलैहि सलाम को सजदा करो। सबने हजरत आदम अलैहि सलाम को सजदा किया। अजाजिल ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अजाजिल कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और हजरत आदम अलैहि सलाम मिट्टी से बनाए गए, मैं तो उस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्लाह ताला ने अजाजिल को फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू शैतान मर्दूद हो चुका है। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर अजाजिल को यकीन हो गया कि मैं ही शैतान मर्दूद हूँ। जब अजाजिल शैतान मर्दूद बन गया तो उसने अल्लाह ताला से कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, तो अल्लाह ताला ने उसको कयामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मर्दूद ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में उतरेंगे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने शैतान मर्दूद से फरमाया, तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत वसी है, मैं उनको माफ कर दूंगा। इस तरह अजाजिल अल्लाह ताला की नाफरमानी करके शैतान मर्दूद बन गया। अल्लाह ताला ने
शैतान मरदूद के गले में लानत का तो कयामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गए। रवायत में आता है कि जब कयामत के नजदीक दूसरा सूर फूका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को मौत का मजा चखाएगा। उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में दाखिल कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।